नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 24 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि स्टील प्राइसेस के ऊपर क्या रह सकता है। आपको याद होगा, हमने लगभग 15 दिन पहले आपको लगातार 3-4 एपिसोड्स के अंदर आपको कुछ आगाह किया था, कुछ बात की थी, कुछ आपको इशारा दिया था और क्लियर यही कहा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन समाप्ति की ओर नहीं है, ये बढ़ सकता है। गौरतलब है, जब अचानक से एक खबर आई थी कि रशिया ने अपने ट्रुप्स वापस बुला लिए हैं, एक्सरसाइज के बाद रशियन ट्रुप्स बैरक्स को वापस जा रही है, उस वक्त हमने यही कहा था कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं लगता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर और मेरे स्वयं के अध्ययन के आधार पर मैंने कहा था कि ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन, जो किसी ज़माने में उसका एक हिस्सा हुआ करता था, यूएसएसआर का, सोवियत रूस का, वो अब नाटो कैंप में चला जाए और नाटो बिल्कुल उसकी बॉर्डर के ऊपर अपने सैनिक अभियान चालू कर दे। ये कभी रशिया नहीं बर्दाश्त करेगा। और दोस्तों, आपको याद होगा, हमने आपको रशिया और यूक्रेन के ऊपर कुछ चंद इम्पॉर्टेंट चर्चाएं भी की थी। आपको ये भी कहा था कि 4 फरवरी से और 20 फरवरी के बीच चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और चाइना फुल फ्लैश रशिया के फेवर में खड़ा होने की उम्मीद जताई, संभावना है मैंने आपसे जताई थी, जो कि अक्षर सत्य साबित की हुई। चाइना ने अब स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रूस को अपने हितों को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल टेंशन पर विचार। और स्टील प्राइसेस को इससे पहले ही हमने आपको 3-4 एपिसोड्स में लगातार कहा था कि अब होगा असली खेल 20 दिनों में। हमारे चैनल पर वो एपिसोड मौजूद है, आप उसको देखिए। याद रखिएगा दोस्तों, स्टील के अंदर यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं, आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको स्टील प्राइसेस का एडवांस एनालिसिस आपको करना पड़ेगा या आपको लेना पड़ेगा, अन्यथा आप स्टील के अंदर बहुत अधिक पैसा नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले अनेकों अनेक जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे कोई फायदा नहीं, अन्य आपको नुकसान ही अधिक होगा। तो दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः विश्व का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको ना केवल सोयाबीन, स्टील, कच्चा तेल, सोना चांदी, शेयर बाजार पर अपना अग्रिम आकलन प्रस्तुत करता है, जो कि काफ़ी हद तक सही साबित होता है। दोस्तों, हम कोई दावा नहीं करते कि हम 100 में से 100% सही होंगे या कितने प्रतिशत सही होंगे, लेकिन हमारी अधिकतर एनालिसिस सत्य साबित होती देखी गई हैं। सोयाबीन पे देखिए, ऑयल सीड का सबसे बड़ा ऑयल सीड सोयाबीन जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। लगभग पिछले 40 दिनों के अंदर 35 से 38% की एक तरफा तेजी दर्ज हो चुकी है, जिसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने आपको दिया था। कल हमने गोल्ड के ऊपर बाइंग की सलाह दी थी, आज गोल्ड के अंदर लगभग 3% की सोने और चांदी के अंदर तेजी देखी गई। तो दोस्तों, स्टील के ऊपर क्या संभावनाएं बन रही हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टील को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। रशियन कुकिंग कोल, रशिया एक महत्वपूर्ण कंट्री है जो कि कुकिंग गैस और कुकिंग कोल के को एक्सपोर्ट करता है, और रशिया और यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते कुकिंग कोल का जो एक्सपोर्ट एशिया को रशिया करता है, उसके अंदर बाधा आने की संभावना है और कुकिंग कोल के दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों, गौरतलब है कि हमने आपको एक एपिसोड्स के अंदर संभावनाओं पे भी चर्चा की थी, तो उसमें भी आपको यही कहा था कि सोवियत रूस, रशिया जो है वो गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, विशेषकर रशिया से यूरोप को बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 40% जो गैस है वो एक्सपोर्ट होती है, और किसी भी समय पे ये बाधा आ सकती है और इसका असर बहुत तेजी से पूरे विश्व में पड़ेगा, विशेषकर यूरोप के अंदर ऊर्जा संकट आ सकता है।
याद रखिएगा, हमने ऊर्जा संकट के ऊपर आपको 20 दिन पहले ही आपको इसके बारे में इतला की थी, इतनी अपनी जानकारियां विश्लेषण प्रस्तुत किया था कि याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि पिछले साल भी एनर्जी क्रंच था। एनर्जी क्रंच के में बिजली और गैस की कमी से यूरोप थर्रा उठा था और उसका असर पूरे विश्व को पड़ा था। ऐसी सी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी 20 से 25 दिन पहले आपसे चर्चा की थी। तो दोस्तों, आने वाले समय के अंदर क्या संभावना बनेगी, उससे पहले हम आज के स्टील के भाव देख लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, स्टील ने लगभग 2000 रुपये की एक तरफा तेजी चंद ट्रेडिंग डेज के अंदर दर्ज कर दी है, जिसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने आपको दिया था। आज मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 50,700 एमएस इनगट के भाव रहे। दुर्गापुर के अंदर 200 रुपये की तेजी के साथ 48,600 और कोलकाता 49,300 के भाव रहे 200 रुपये की तेजी। इंदौर में 51,000 एमएस बिलेट इनगट के भाव थे, 500 रुपये की बड़ी तेजी, और रायगढ़ के अंदर 47,900 यानी 600 रुपये की तेजी के बताए गए। ओल्ड आयरन स्क्रैप के ऊपर भी हम चर्चा करें तो मंडी के अंदर 39,200 और मेल्टिंग मंडी 42,200 और इंदौर 39,600, यहाँ पे 500 रुपये की तेजी, इंदौर में बड़ी तेजी दर्ज हुई। एमएस बिलेट के प्राइस भी यदि हम जाने इनगट के बाद, तो मंडी गोविंदगढ़ में 50,900, दुर्गापुर 49,200-300 रुपये की तेजी, कोलकाता 49,900-300 रुपये की तेजी और रायगढ़ के अंदर 800 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज हुई है 48,900 के भाव। स्पॉनेज आयरन की बात करें तो मंडी गोविंदगढ़ 39,800-100 रुपये की तेजी, जयपुर 38,500 और रायगढ़ के अंदर 36,500 के भाव है 500 रुपये की बड़ी तेजी, दुर्गापुर 36,500-200 रुपये की बड़ी तेजी। तो दोस्तों, स्टील के अंदर एक तरफा तेजी दर्ज हुई। आने वाले कुछ समय के अंदर अब एक बड़ा सवाल है कि क्या इतनी अच्छी तेजी आने के बाद, अब चार मुख्य बिंदुओं पर आपको विचार करना है यदि आप स्टील के ट्रेडर्स हैं। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, अर्थव्यवस्था को धक्का लगता है, उत्पादन खपत इसके ऊपर बड़ा प्रभाव आता है, क्या स्टील की प्राइसेस में फ़र्क आ जाएगा, ऊँचे दाम पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या फिर मार्च और तगड़ी आपको जबरदस्त तेजी दिखाएगा। गौरतलब है दोस्तों, तेजी अक्सर कहा जाता है कि अच्छी तेजी मिलने के बाद, अच्छा मुनाफा मिलने के बाद, यदि आप जो मुनाफा वसूल नहीं करता है वो रह जाता है, तो क्या ये कहावत भी सही साबित होगी इस बार। नंबर दो, जियोपॉलिटिकल टेंशन एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आज से 2 से 3 दिन पहले तक पूरा विश्व अमेरिका रशिया के बारे में बात कर रहा था, अब एकदम से अमेरिका का हटके रशिया और यूक्रेन के ऊपर लोग चर्चा करने लगे हैं, जबकि पहले तनातनी जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका की बात हो रही थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बहुत ध्यान से नोट करने की बात है, क्योंकि अमेरिका अब रशिया और यूक्रेन की बात है तो यूक्रेन में तो किसी कीमत के अंदर रशिया के सामने रुक ही नहीं सकता। अब नाटो और अमेरिका उसकी कितनी मदद करते हैं और कैसे करते हैं उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट हस्तक्षेप करना एक वर्ल्ड वॉर की तरफ भी इशारा कर देता है। क्या अभी ऐसा संभव है या कोई रिजल्ट निकल जाएगा? उम्मीद ये कहती है कि रिजल्ट निकल जाएगा और पुतिन संभवतः एक बार पुनः अपनी बात मनवाने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसी संभावना है। तीसरा पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण, स्टील प्राइसेस में क्या बड़ी लगातार तेजी रहेगी या फिर अभी मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? तो दोस्तों, इसकी अपडेट हमने अपने पेड क्लाइंट्स को दे दी है कि आगे क्या संभावना बनती है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, आने वाले समय के अंदर एनर्जी क्रंचेज, जिसकी संभावना हमने आपको पहले भी जताई थी, और उस क्रंचेज होने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आने वाले समय के अंदर यूरोप के अंदर एनर्जी क्रंच होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। तो दोस्तों, स्टील हो, सोना चांदी हो, शेयर बाजार हो, तेल तिलहन हो या फिर दलहन,
पल्सेज हो या फिर मसाला पैक, इन सभी पर विशेष जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। याद रखना दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वर्क्स व्हेन नोबडी हैज एनी आंसर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।